अपना गांव, अपना घर का, देश का, झारखंड का नाम रोशन कर सकें। और बच्चों में अभी आप देखते होंगे कि झारखंड के बच्चे थोड़ा उतना बोल नहीं पाते हैं जितना बोलना चाहिए। बनिस्पत की दूसरे स्टेट के बच्चे इतने फॉरवर्ड होते हैं कि वो तुरंत कोडिंग करने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा बात बोलते हैं जो कि टॉलरेबल नहीं होता है, लेकिन ये बच्चे इतना मासूम है कि वो आपको इतना सरलता से जवाब देंगे कि आपका दिल जीत लेते हैं। इसलिए बच्चों का जो ये मनोस्थिति है वो बहुत ही सरल और सुगम है जो कि सीधे दिल में उतरता है। तो अभी ये बच्चे अभी हमारे पास 10 स्थिति हुई हैं, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, आर्चरी, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग एंड टाइकांडो एंड स्विमिंग। इस प्रकार 10 डिसिप्लिन के बच्चे यहाँ पर हैं, तो सब में बॉयज एंड गर्ल्स में। और चूँकि बच्चों को यहाँ पर जो सुविधा दी जाती है खाना पीना से लेकर की स्कूलिंग बच्चों का यहीं होती है, और जो 11 के बच्चे हैं उनको हम लोग DAV नंदलाल में भेजते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये हमारा एकेडमी का एक छोटा सा परिचय है। और बच्चों को 16 साल मैक्सिमम हुए हैं, और नीचे अगर नीचे लेवल सारे नाबालिग हैं। तो उसके बावजूद हमारे एकेडमी में इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं और नेशनल मेडलिस्ट तो भरे हुए हैं, और स्टेट का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। और इतना तक कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी जल्दी उतना पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं कि जिस जिला में जाते हैं सारे मेडल इनका होता है, स्टेट भी मीट में भी सारे मेडल्स हमारे ही होते हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट है अभी तक का, 2016 से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो अभी बच्चे देते हुए आप लोगों से कुछ बातें आप लोगों से शेयर करेंगे और हम लोग आप लोगों को रिप्लाई दे सकेंगे। ओके, ठीक है। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोग आराम से बैठ जाइए, उसके बाद बातचीत स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इंसान को अपनी ज़िंदगी में या फिर जब भी वक्त आए 3 टाइम ही खड़ा होना चाहिए। एक, जब बड़ों का आशीर्वाद लेना हो। दूसरा, तब जब आपको अपने खेल के लिए मेडल लेना हो। और तीसरा, तब जब गेम में पार्टिसिपेट करके आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना हो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारा झारखंड जो है वो माटी से बना हुआ है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गांव से हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, और वो कहीं ना कहीं संकुचित होंगे। आजकल देखा दीपा मलिक हुई और भी बहुत सारे, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रिच फैमिली से आते हैं, लेकिन ये चीज़ को मन में बैठा के हार नहीं मानना है, क्योंकि इंसान को उसका संघर्ष और उसकी मेहनत ही सफलता तक पहुंचाती है। मैं चाहती हूँ कि 2-3 बच्चे मेरे पास आएं और मुझे अपने बारे में डीपली बताएं और उनकी क्या सपने हैं, वो किस क्षेत्र से आ रहे हैं, उनके जीवन में क्या संघर्ष है, ये मुझे बताएं, ताकि मैं आगे जो चीज़ें हैं वो आपको समझा सकूं। मैं नाम बैठी हुई है, सब में से एक एक मेंबर मेरे पास आए, तो आप लोग जल्दी से डिसाइड कर लो और आ जाओ मेरे पास। जो भी माँ बाप अपने समाज की प्यास को मिटा सके, और जब वो टूट भी जाता है तो उसका टूटा हुआ हिस्सा को भी बहुत लोग उपयोग में लाते हैं, वो भी चिड़ियों